नमस्ते, ज्ञान गंगा भारत इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी अनौपचारिक पत्र लेखन देखने वाले हैं, इसके लिए वीडियो पूरा देखिए। चले हम देखते हैं अनौपचारिक पत्र लेखन का प्रश्न। अपने पिताजी को आने वाली गर्मियों की छुट्टियों में घूमने जाने के लिए आवेदन पत्र लिखी है। इस प्रकार का प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा जाए तो किस प्रकार आप अपने पिताजी को आने वाली गर्मियों की छुट्टी में घूमने जाने के लिए आवेदन पत्र लिखेंगे, इसकी हम सविस्तर जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले आपको जिस दिन आप पत्र लिखेंगे उस दिन की दिनांक आपको लिखनी है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है 2 अप्रैल 2024। उसके बाद एक लाइन छोड़नी है और अपने पिताजी को पूज्य पिताजी या प्रिय पिताजी ऐसे संबोधित करना है। फिर कॉमा देना है और चरण स्पर्श करना है, पूर्ण विराम देना है, दंडी देना है। उसके बाद आपको पत्र लिखना स्टार्ट करना है। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे, मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। मेरी वार्षिक परीक्षा समाप्त हो चुकी है, कुछ दिनों में परिणाम निकलने वाला है। आशा है इस वर्ष भी मुझे अच्छे गुण प्राप्त होंगे। पिताजी, मैं चाहता हूँ इन गर्मियों की छुट्टी में आप हमें कहीं बाहर घुमाने ले जाएं। आशा करता हूँ कि आप किसी अच्छी जगह पर ले जाएंगे, जिसके लिए आप टिकट का पहले से ही आरक्षण करा देंगे। माता जी को प्रणाम, छोटे भाई को ढेर सारा प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र अबक स्वानंद वस्ती गृह रूम नंबर 2 बुधवार पेट पुणे 600022 और आपका मतलब जो पत्र लिख रहा है उसका ईमेल आईडी लिखना है और जो पत्र लिखता है उसका नीचे पता लिख आ जाएगा। देखो ईमेल आईडी का पत्र का स्वरूप है, ईमेल आईडी का होने के कारण आपको पत्र लिखने के बाद टिकट लिफाफा लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो इस प्रकार आज हमने अनौपचारिक पत्र लेखन में अपने पिताजी को आने वाली गर्मियों की छुट्टी में घूमने जाने के लिए आवेदन पत्र कैसे लिखना है इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। आपको यह वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और आप हमारे ज्ञान गंगा भारत इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको इसी प्रकार के नए नए वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।